जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग SCERT की गणित शिक्षण की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो गणितीय अवधारणाओं को पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे गणितीय दक्षता के विकास के जो घटक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गणितीय दक्षता घटक के विकास, इनको हम लोगों ने पहले लेक्चर में इसके पढ़ लिया, अब उन्हीं को एक बार डिफाइन करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक है जैसे बातचीत के तरीके के स्वरूप से, जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो गणित दक्षता का विकास होता है उसमें बातचीत के तरीके का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में जानते हैं। पहले परिवेशी जानकारी, बच्चों से हम क्या करते हैं, जैसे कक्षा एक के बच्चे हो, दो के, तीन के, चार के, जिन कक्षा के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं, खासकर कक्षा तीन से अगर पाँच की बात करें, तो उन्हें क्या करना चाहिए, परिवेश की जानकारी। अजय बेटा कहाँ से आते हो, कैसे आते हो, कहाँ जाते हो, घर कहाँ है, पापा का नाम क्या, मतलब उनको उनके परिवेश के बारे में उनके जानकारी लेते हैं। फिर उनके व्यापारिक अनुभव के बारे में, उनके जो व्यावहारिक अनुभव है, उन व्यावहारिक अनुभव के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, उनसे उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि इससे हमारा उनके बीच मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। फिर उसके बाद संदर्भों पर आते हैं, संदर्भों पाने के बाद कहते हैं अच्छा ये बताओ आपके घर में पेड़ है कि नहीं है, अच्छा पानी किस में पीते हो, ग्लास में, कितनी ग्लास है। इस प्रकार हम धीरे धीरे गणितीय दक्षता के विकास के घटक के रूप में जब बातचीत का तरीका इस्तेमाल करते हैं, फिर हम संदर्भों पर बात करते हैं, फिर ठोस वस्तुओं के प्रयोग पर, जैसे आम खाते हो, रोटी खाते हो, आपके पास कितनी गेंदें हैं, आपके पास कितने कंचे हैं, कितनी गोलियां हैं, फिर उनके जो ठोस वस्तु हैं उसका क्या करता है बच्चा, गणना करता है, या तो मूर्त हो या अमूर्त हो, इन दोनों गणना करने के बाद वो हमें बताता है। फिर चित्रों पर कार्य करिए, अब उसे चित्र दिखाइए या बच्चा स्वयं चित्र बनाए, उनमें पूछिए। इस प्रकार हम क्या करते हैं, बातचीत के दौरान उनके अंदर गणित का विकास करते हैं, समझ पर आधारित। अब हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न का यूज करेंगे, समझ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बातचीत के बाद उन्हें समझे, हम कहते हैं 1, 2, 3, 4, अब बच्चा कहेगा सर 5, तो हम क्या करेंगे उनकी समझ के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने कहा 1, बच्चा कहेगा 2, हमने कहा 3, बच्चा कहेगा 4, इससे क्या होगी उनकी समझ की भी जो होगी आधारित होगी। इस प्रकार हम बातचीत के माध्यम से बच्चों में जो गणित है उसकी दक्षता का विकास कर सकते हैं, मैंने गणितीय दक्षता को हम लोग और आगे ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, या आप उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं और अगली दक्षता की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये SCERT के लिए गणित शिक्षण की एक महत्वपूर्ण सीरीज है जो आपको मेरे द्वारा उपलब्ध हो रही है। ये राष्ट्रहित में, देशहित में निःशुल्क शिक्षा के तहत, सर्वशिक्षा अभियान के तहत आप लोग को मिल रही है, इसलिए आप पूरे मनोयोग के साथ पढ़िएगा। अगर आपको बेहतर लगे अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचा दीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं गणित सिखाने का क्रम, ये हमने इसके पहले लेक्चर में आपको बता दिया था, इसके पहले वीडियो में हमने इसके बारे में बता दिया था। गणित सिखाने का क्रम, पहले ठोस वस्तुओं का अनुभव कराना, ठोस वस्तुओं का अनुभव कराना, जैसे कि बेटा ये बताओ यहाँ पे क्या रखा है, तो कहेगा सर चाक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, सर ये डेस्क है, ये बेंच है, सर ये कॉपी है, किताब है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को ठोस वस्तुओं का अनुभव कराते हैं। क्या करते हैं, जो सॉलिड वस्तु होती हैं, सॉलिड गुड्स होती हैं, उनका हम क्या करते हैं, हम उनसे वस्तुओं का अनुभव कराते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस में, ई फॉर एक्सपीरियंस में ठोस वस्तुओं का अनुभव कराते हैं, किससे, बच्चों से अपना अनुभव साझा करते हैं, बच्चों के अनुभव को भी अपने में आत्मसात करते हैं। फिर लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग, यल फॉर भाषा का मतलब भाषा, लैंग्वेज। अब गणित सीखने सिखाने का जो क्रम है उसमें भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा का मतलब यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी गणित से नहीं मतलब है, हम तो जानते हैं कि एनशिप 2005 ये कहता है कि जो भाषा होनी चाहिए वो आम बोलचाल की भाषा होना चाहिए, लेकिन इस आम बोलचाल की भाषा में हमें एक बात का खासा ख्याल रखना होगा कि हम उनसे जब बातचीत करें तो वो अपने भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति रख सके, वो अपने भाषा के जो गणित सीखने सिखाने का क्रम है उसमें भाषा को ला सके। जैसे ये बताओ कौन कौन टिफिन लाया है, या इस कमरे में कुल कितने पंखे लगे हैं, कुल कितने पंखे लगे हैं, तो बच्चा गिनता है और गिनने के बाद क्या करता है, चार। हमने क्या किया, पंखा दिखाया, एक तरह से हमने ठोस वस्तु का अनुभव कराया। अब भाषा का प्रयोग किया, कितने पंखे, अच्छा बगल वाले में अगर पंखे जोड़ दिया जाए अब कितने पंखे हैं, तो बच्चा कहता है सर 4, 2, 6 पंखे हैं। अब हमने क्या किया, हमने उसे ये नहीं बताया, हमने उसे जोड़ कराया, लेकिन वो बच्चा क्या किया, वह गिनती की संख्या को आगे ले गया और वो जान गया कि कक्षा में कुल, दोनों कक्षा में कुल 6 पंखे लगे। फिर चित्रों का इस्तेमाल करना, पिक्चर का इस्तेमाल करना, अब हम बच्चों को पिक्चर का भी इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, भाषा ज्ञान करा सकते हैं, भाषा ज्ञान उन्हें दिखा सकते हैं। इस प्रकार हमने ये देखा कि हम
चित्र का इस्तेमाल करके, जैसे डंडे का, गोली का या आदि का चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं ये क्या है। अगर यहाँ पे एक डंडा है, फिर एक डंडा, और फिर एक डंडा, कुल कितने हो गए? बच्चा कहेगा तीन डंडा। क्या कहेगा? तीन डंडे हैं यहाँ पे। फिर यस प्रतीक संकेतों का प्रयोग करके, अब यहाँ पे संकेत का मतलब क्या है? संकेत का मतलब जैसे कुल, योग, जोड़, इसका ये चिन्ह होगा। घटाव, व्याकलन, इसका ये चिन्ह होगा। कितना कम है, कितना ज़्यादा है, इन सभी के लिए हम क्या करेंगे? चित्रों का इतना अनुभव करने के बाद सिंबल का प्रयोग, प्रतीक संकेतों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, प्रत्येक गणितीय तथ्य समझ के विकास एवं आकलन के लिए इन चरणों के क्रम का इस्तेमाल आवश्यक है। कभी भी गणितीय तथ्य समझ के विकास एवं आकलन के लिए इन चरणों के क्रम का इस्तेमाल आवश्यक है, इसलिए यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आपके लिए जानने योग्य है अगर आप मैथ पेडागोजी पढ़ रहे हैं। मैथ पेडागोजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो शायद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। टेलीग्राम पे दुर्गेशर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेंगे, जो इलर्निंग विद दुर्गेश का है वहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, वीडियो का लिंक भी आपको मिलता रहेगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सब पढ़ें, सब पढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान, देखिए गणित सिखाने के तरीके, अभी हम लोगों ने गणित सिखाने के तरीकों में इन चार तरीकों को पढ़ा। पहला क्या पढ़ा? ई एक्सपीरियंस, एल पी एस लैंग्वेज, पिक्चर, सिंबल, इनका प्रयोग करते हैं। फिर गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग आगे गतिविधि भी पढ़ेंगे कि गणित शिक्षण की प्रमुख गतिविधियाँ क्या होती हैं, उन गतिविधियों कैसे आत्मसात किया जाता है, इन पर हम लोग करके दिखाएंगे, जोड़ के गतिविधि, घटाना की गतिविधि, क्योंकि हमने इसके पहले ये पढ़ा था, ये हम लोगों ने जाना था कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है, अगर आपको कोई चीज़ जाननी है, तो वहाँ पर आपके लिए एक बात हमेशा समझना और जानना होगा कि जिसकी गतिविधि होती है, जो आपकी गतिविधि होती है वो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम एक ही गतिविधि सिखाएं और बच्चा सीख जाए, इसलिए एक विषय को, एक चीज़ को पढ़ाने के लिए हम कई गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं। बातचीत के द्वारा, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि हम बातचीत के द्वारा भी गणित सिखा सकते हैं, जैसा ऊपर हमने इसके बारे में चर्चा किया। चर्चा करके, जैसे हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं बच्चों से, यार ये बताओ कि सब लोग कितनी रोटियाँ घर लेकर आते हो, टिफिन में कितनी रोटियाँ लाते हो, या जब मिड डे मील का भोजन मिलता है किसको रोटी कितनी मिलती है, तो वहाँ पर हम उनसे चर्चा करते हैं। फिर कभी प्रश्नोत्तर भी करते हैं, अच्छा ये बताओ इस गार्डन में कुल कितने फूल के पेड़ हैं, कितने फल के पेड़ हैं, कितने वृक्ष हैं। इस प्रकार हम बच्चों से क्या कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं, और जिससे गणित सीखने सिखाने का जो तरीका होता है उसका भी विकास होता है। TLM का प्रयोग, अच्छा मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा, TLM का फुल फॉर्म क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप इसका फुल फॉर्म जरूर बताएंगे। हाँ, जैसे कुछ लोग को अगर टेट सी टेट या सुपर टेट संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। वैसे ये क्लासेज पूरी तरह से निःशुल्क है, देश हित में, राष्ट्र हित में निःशुल्क शिक्षा है, कर भला तो हो भला, तो इसलिए इस वीडियो को हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। फिर TLM का प्रयोग करना, और प्रायः देखते हैं विद्यालय की दीवारों पर TLM होते हैं, कक्षा में भी हमें TLM का प्रयोग करना चाहिए। अब आपको बताने TLM का फुल फॉर्म क्या है, अब संदर्भ रचना करना है, अब जो हमें पढ़ाना है TLM के बाद हमें संदर्भ रचना करना है कि बच्चों को हमें कैसे सिखाना है, क्या क्या तरीके हैं, पहले क्या करना है फिर क्या करना है, ये हमें एक रचना करना होगा, जिसे आप व्यूह रचना कह सकते हैं, चक्रव्यूह रचना कह सकते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए आपको स्वयं बच्चा बनना पड़ेगा। फिर छोटे 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 बड़े समूहों में कार्य करना, छोटे समूह में, बड़े समूह में बच्चों के साथ मिलकर काम करना, तो बच्चे क्या होते हैं, हमारे और आपकी चीज़ों को, एक अध्यापक के, शिक्षक के कार्यों को वो समझ पाते हैं, एक अध्यापक के जो प्रमुख कार्य हैं उनमें वो अपने वक्तव्य दे पाते। इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि इस तरह से हम गणित सीखने सिखाने का जो तरीका है वो हम लोगों ने क्या किया, आत्मसात किया, मतलब आप लोगों ने एकदम स्पष्ट रूप से जान लिया। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, ये पूरी तरह से निःशुल्क है और राष्ट्र हित में है, देश हित में शिक्षा, शिक्षा का अधिकार सभी का है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े और सब बढ़े। ठीक है, ये SAT का पूरा पैटर्न है। हाँ, अगर ये आप तैयार कर ले तो CTET में आपको तो पूरा हूबहू आपके प्रश्न मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी, इतना बेहतर रही है ये भाई, गवर्नमेंट की बुक है, आसान थोड़ी नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे गणित सिखाने के उपकरण क्या क्या होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये मैं आपसे पूछूंगा कि गणित किट क्या होता है, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं बताएंगे कि गणित सिखाने का जो उपकरण है उसमें गणित किट क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे या वीडियो बाद में देख रहे हैं वे जरूर इसका जवाब देंगे कि गणित किट क्या होता है। बताइए सभी लोग, गणित किट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये उपकरण के अंतर्गत आता है।
अब आप लोग नहीं बताएंगे। देखिए गणित किट की बात किया जाए तो रबर, पेंसिल, शॉर्पनर ये सभी उसके अंतर्गत आता है, जैसे चांदा, स्केल, ठीक है, ट्रेंगल वाला स्केल, ये सभी जो होते हैं वे इसके किट के अंतर्गत आते हैं। TLM क्या होता है, अभी मैंने ऊपर पूछा था TLM का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। TLM के बारे में अभी मैंने पूछा था, आप लोगों ने अभी तक जवाब ही नहीं दिया। देखिए आप लोग को जवाब देना चाहिए, अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो हम लोग कैसे कुछ चीज़ें सिखा पाते हैं, बताइए। नहीं बताएंगे आप लोग, अरे मालिक। देखिए TLM फुल फॉर्म क्या है बताइए, आप कमेंट करिएगा जरूर, अगर यहाँ तक वीडियो देखे तो TLM, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लेता है कि TLM क्या है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ठीक है। ये गणित सिखाने का उपकरण के अंतर्गत आता है, बहुत सारे उपकरण होते हैं, तो आपको कुछ TLM के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, आपको जरूर बताना है, ठीक है। कार्ड द्वारा, गिनती चार्ट, पहाड़ा, कैसे करना है ये आपकी इच्छा कि कैसे आपको बनाना है। फिर ठोस वस्तुएं, अभी आप एक बात और आपको सीखना है कि ठोस वस्तुएं, कहेंगे सर ये ठोस वस्तुएं क्या होती हैं, देखिए ठोस वस्तुओं का मामला ये है, जैसे गोली होती है, कंचे होते हैं, क्रिकेट बॉल होती है, चिमटा होता है, पेंसिल होता है, रबड़ होता है, कॉपी होती है, किताब होती है, ये सभी ठोस वस्तुएं आती हैं। इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, गणित उपकरण बनाकर हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं, अन्य तरह से हम लोग ये चीज़ें को बताएंगे। फ्लैश कार्ड, अब क्या होगा फ्लैश कार्ड, आप लोग जरा कमेंट करके बताएंगे कि फ्लैश कार्ड क्या होता है, गणित शिक्षण में ये फ्लैश कार्ड क्या होता है। ये देखिए आप लोग शिक्षक हैं तो शिक्षक के लिए ये सारी चीज़ें आप लोग को जानना चाहिए कि फ्लैश कार्ड क्या होता है, बताइए। नहीं बताएंगे आप लोग, चलिए अगर आप नहीं बताते हैं तो हम बताते हैं। देखिए जो फ्लैश कार्ड होता है ये बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, इस तरह से बने होते हैं, और उन्हें काट कर गत्ते द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, इस तरह हम लोग बताते हैं, ठीक है। और अहम प्रमुख टर्म या सिद्धांत लिख लीजिए, उसके बड़े अक्षरों में होता है, फिर हम आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा TLM होता है, अब फ्लैश कार्ड होता है TLM के अंतर्गत, ये भी बन जाता है। फिर ये होता है कि गतिविधि, गतिविधि कार्ड और गतिविधि कार्ड भी होता है, गतिविधि कराकर भी हम लोग गणित सिखाने का अनुभव ले सकते हैं। जैसे कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, कई सारी गतिविधियाँ होती हैं, अपना अलग अलग तरीका है। अगर आप लोग अपने आप में शिक्षक हैं, अपने आप में शिक्षक महसूस करते हैं, तो आप किसी गतिविधि का नाम बताइएगा, एक कार्ड गतिविधि और एक गतिविधि जिसका प्रयोग आप कक्षा कक्ष में कर सकते हैं। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम आपको जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी गणित सिखाने की प्रमुख गतिविधियाँ होती हैं, कौन सी गतिविधि कार्ड होती है जिससे हम बच्चों को आसानी से गणित सिखा सकते हैं। चलिए हम और आगे चलते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम ई-लर्निंग पे दुर्गेश, और अगर हमारा व्यक्तिगत अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दुर्गेश सर से इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक, ट्विटर, ई-लर्निंग पे दुर्गेश है। बच्चों की भूमिका, अब हम देखते हैं गणित शिक्षण में बच्चों की भूमिका क्या होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण में सहयोग, अब देखिए बच्चों की भूमिका क्या होगी, जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री हम निर्माण करेंगे उनमें बच्चों का सहयोग लेंगे, क्योंकि बच्चों का सहयोग ही बड़ा सराहनीय होता है, और बच्चे पूरी तरह सहयोग करेंगे, चाहे वो अमूर्त शिक्षण हो, अमूर्त शिक्षण हो, ठोस वस्तुओं को हो, TLM हो, फ्लैश कार्ड हो, गणित किट हो, कहीं भी होगा, बच्चे क्या करते हैं उस अधिगम सामग्री निर्माण करने में बहुत ही सहायता करते हैं। फिर अभ्यास या अभ्यास पत्रक बनाने में, जैसे अभ्यास पत्रक बनाना है, हम वहाँ बच्चों से मदद ले सकते हैं, और हम बच्चों को भी कि हमारा उद्देश्य उनको पास करना, उनको फेल करना, उन पर बोझ डालना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य उनको सिखाना है, उन्हें गणित सिखाना है, गणित का डर उनको दूर भगाना है, इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना होगा। गतिविधि कराने में जब बच्चों गतिविधि कराएंगे तो उसमें बच्चों की भूमिका होनी चाहिए, तो साथ ही साथ जैसे आपकी जितनी भूमिका है उतना बच्चों की भी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि गणित सिखाना हमारा और आपका टारगेट है, और ये गणित शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए है। फिर समूह में कार्य कराने की, देखिए बच्चे समूह में जब कार्य करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे ज्ञान का सृजन होता है, और इसलिए बच्चों में समूह में कार्य कराना चाहिए, उन्हें कई समूह में, खंड में बांट सकते हैं, चाहे पर्वतारोहण को लेकर, चाहे गणित शिक्षण को लेकर, चाहे कबड्डी खेल के लिए, चाहे खो खो, मतलब किसी भी काम के लिए अब बच्चों को समूह में बांट देना चाहिए। और समूह में जो मॉनिटर होता है वो क्या करता है, बच्चों को मिले रहता है, उसमें नोट करते चलता है जिस समूह में हम काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जब हम लोग
इन्वायरमेंट का पेडागॉजी पढ़ेंगे, ईवीएस पेडागॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अन्य चीज़ों को पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षण में। मूल्यांकन में, मूल्यांकन में भी क्या करना चाहिए, बच्चों की भूमिका लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को प्रश्न के आधार पर उनका उनका मूल्यांकन करें, उत्तर के आधार पर, जी नहीं, हमें बच्चों के हर प्रकार से मूल्यांकन करना होता है। इस प्रकार हमें बच्चों की भूमिका लेनी चाहिए। यहाँ पर ये था कि बच्चों की भूमिका क्या होगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं चाहूँगा अगर आप एक बेहतर शिक्षक हैं और शिक्षक और बेहतर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं। यहाँ पर है शिक्षण के, ये पहले पढ़ लेते हैं ना, छोटे छोटे समूहों में कार्य करने के दौरान ध्यान देने योग्य बात, जो हम बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं, जब हम बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं तो कार्य, जब बच्चे कार्य भी करना शुरू कर देते हैं उसके दौरान कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य उनको जानते हैं। सभी बच्चे सक्रिय हों, मतलब जितने बच्चे हों वे सभी सक्रिय हों, क्योंकि हम समावेशी कक्षा की बात करते हैं। हम किस कक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षा की बात करते हैं, और समावेशी कक्षा में हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि सभी बच्चे क्या हो, सक्रिय हों, सभी अपनी अपनी बात बारी क्रम में कह और सुन रहे हों, मैंने सभी लोग अपनी अपनी बात अपने क्रम में आगे कह रहे हों, सभी की बातें सब सुन रहे हों, मैंने उनकी पूरी अभिव्यक्ति हो, मैंने हर बच्चा स्वयं आकर बोल सके और हर बच्चा एक दूसरे को सुन सके, और निर्देशन को पालन हो रहा हो। देखिए अनुशासन नहीं, निर्देशन। अब याद रखिएगा, बच्चों के लिए अनुशासन अनुशासन नहीं होना चाहिए, उनके लिए क्या होना चाहिए, अनुशासन नहीं है, उन्हें हमें क्या निर्देश देना चाहिए, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, बेटा पहले तुम जाओगे तुम ऐसे बोलोगे, बेटा तुम ऐसे करोगे, हाँ बेटा बेटी, मतलब जो भी कक्षे में हम लोग सभी को, सभी बच्चे हैं और समावेशी कक्षा है, सभी हमारे लिए बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे निर्देश देंगे, और निर्देशों का क्या करेंगे, पालन हो रहा है या नहीं ये भी हम लोग को ध्यान देना होगा। हम लोग का मतलब एक शिक्षक को, अगर आप शिक्षक हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए और आगे देखते हैं हम, और आगे देखेंगे तो हमें और कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे शिक्षण के दौरान विकसित की जाने वाली मूल दक्षताएं। अब एक नया टॉपिक आपको मिला कि शिक्षण के दौरान विकसित की जाने वाली मूल दक्षताएं क्या क्या होती हैं। पहला, चीज़ों को पहचानना और अपने अभ्यास। देखिए जब शिक्षण कर रहे हैं उसके दौरान कुछ मूल दक्षताएं होती हैं, दक्षताएँ क्या होती हैं, जैसे चीज़ों को पहचानना, उन्हें अभ्यास में लाना, चाहे वो गणितीय संक्रियाएँ हो, चाहे वस्तु हो, ठोस वस्तु हो, चाहे TLM हो, चाहे गणित किट हो, इन सभी को क्या करना चाहिए, चीज़ों को पहचानना चाहिए, उन्हें अपने अभ्यास में लाना चाहिए, ढूंढना, खोज पाना, बच्चों को हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए, आपको भी, बच्चे खोज पर रखो, वो ढूंढने में मदद हो, वो नई नई चीज़ें खोज कर लें। जैसे आपको बता दीजिए कि ठीक है कल सब लोग अपने घर के छोटे छोटे जो पत्ते हैं उन पेड़ों के पत्ते लेकर आएंगे और हम उनके नाम बताएंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, छोटे छोटे पत्ते इकट्ठा करेंगे, या बच्चों से ये कह देते हैं सभी लोग कल एक पत्ती का चित्र बनाकर लाएंगे। जब बच्चा चित्र बनाता है, चाहे वो नीम का पत्ती हो, पीपल का पत्ती हो, आम का पत्ती हो, तो उसके दिमाग में वो पूरी क्या होती है, पत्ती छप जाती है और वो जान जाता है पत्ती देखकर ये किस पेड़ का है। मतलब हमने क्या किया, उसको ढूंढने में मदद किया, और बच्चा क्या करता है, आसानी से जान लेता है ये इमली का पत्ती है, नीम की पत्ती है, कि चिलबिल, मतलब वो अपने आसपास जो बोले जाने वाले अलग अलग पेड़ों के नाम होते हैं उनके आधार पर बच्चा जान जाता है। अब हम आगे देखेंगे तुलना कर पाना। अब बच्चे क्या होते हैं, तुलना कर पाना, मतलब ये देखना है किसका, किसके बैग में ज़्यादा किताबें हैं, किस कक्षा में ज़्यादा पंखे हैं, किस कक्षा में कम पंखे हैं। अब हम क्या करते हैं, तुलना कर पाते हैं एक दूसरे की, ठीक है, राम बड़ा है कि श्याम, सोनी बड़ी है कि मोनू मोनी, श्याम बड़ा है कि मोहन, राम बड़ा है कि लक्ष्मण, गीता है कि सीमा, रहीम है कि करीम। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तुलना कर पाते हैं, ठीक है, क्या बच्चों से, और बच्चा हो तो वहाँ पर सीख पाता है। वर्गीकरण कर पाना, क्लासिफिकेशन कर पाना। वर्गीकरण मतलब हम बच्चों से कह देते हैं कि सभी लोग कल अपने घर से पत्ते लाएंगे, छोटे पत्ते अलग, बड़े पत्ते अलग, या छोटे पेड़ के पत्ते अलग लाएंगे, बड़े पेड़ के पत्ते अलग लाएंगे। अब बच्चा क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा, छाट कर अलग करेगा। जैसे जानवरों के नाम दे दिया जाए कि भाई आप लोग पालतू जानवर, जंगली जानवर, अलग अलग नाम लिख कर लाएंगे, ठीक है, या अलग अलग नाम बताएंगे। अब बच्चा क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा। जानवरों में भी आप कहते हैं उड़ने वाला, चलने वाला, जमीन पर, तो बच्चा क्या करेगा, उनमें से भी उड़ने वाला और जमीन पर चलने वाला, पानी में रहने वाले, सभी जीवों क्या करता है, अलग अलग करता है, सभी जानवरों को अलग अलग करता है। इसे हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। जगह की समझ, वैसे जगह का मतलब क्या है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, बैठे हैं कक्षा कहाँ है, घर कैसा है, कमरा कैसा है, सड़क क्या होता है, मैंने जगह की समझ के बारे में भी बच्चों से ज्ञात करना चाहिए। इसके लिए जब EVS पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक अध्याय है यात्रा, छोटा सा आपको अध्याय मिलेगा
यात्रा, तो वहाँ यात्रा में हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। खुद उदाहरण प्रस्तुत कर पाना या दे पाना, हमेशा ये प्रयास करना चाहिए बच्चे अपनी अभिव्यक्ति रख सके, अपनी खुद के उदाहरण शिक्षकों के बीच, कक्षा के बीच रखें, और एक शिक्षक को भी खुद का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, देना चाहिए, जैसे नए नए प्रश्न, नए नए लॉजिक को। और हमें सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, मौका देना चाहिए, अपनी गलतियाँ ढूंढना सुधारना, हमें क्या करनी चाहिए, हमें अपनी गलती ढूंढना चाहिए, कहाँ गलती हो रही है उसे सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं गलती नहीं करें, गलती करना है, लेकिन गलती करने के बाद हमें सीखना है, गलती को सुधारना है, और क्या करना है, और उससे क्या करना है, ज्ञान अर्जन करना है। सीखी समझी गई चीज़ों को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर पाना, देखिए जो चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं उन सीखी हुई चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। माने गलतियाँ करिए, गलतियों सुधारिए, लेकिन उन गलतियों से जो चीज़ें सीखी जाती हैं उन्हें अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करना। इस प्रकार से हम बच्चों के साथ, बच्चों के बीच जो गणितीय शिक्षण है, गणितीय दक्षता का विकास है, ये प्रमुख घटक थे जो हमने आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये CRT की किताब है, स्वशिक्षा अभियान की तरफ से निःशुल्क आपको मिला होगा, लेकिन फिर भी आप इसे टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है, मेरा खुद का चैनल है बेसिक लर्निंग विद दुर्गेश, जहाँ पे गरीब बच्चों निःशुल्क शिक्षा के लिए मैंने खुद का चैनल बनाया, ये तो दूसरे का चैनल है जहाँ से आपको वीडियो मिल रही है, बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं आपको उपलब्ध करा पाता हूँ निःशुल्क शिक्षा के तौर पर, ऐसे मेरा है बेसिक लर्निंग विद दुर्गेश, आप उस चैनल से जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिएगा, और लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कोई फीडबैक हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग और आगे पढ़ते हैं, अब हम लोग को पढ़ना है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। हम लोगों ने यहाँ पे एक नई चीज़ सीखना है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्या है। देखिए सक्रिय भागीदारी का मतलब है कि चीज़ों व घटनाओं का अवलोकन करना, मैंने जो चीज़ें घटना होती हैं उनका क्या करना, अवलोकन करना, तुलना करना, सवाल पूछना, पैटर्न खोजना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, सवाल बनाना, उन्हें हल करने की कोशिश करना। मतलब बच्चों की भागीदारी का मतलब ये है, ये सभी एकदम अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। अगर आपको, हाँ अगर आपको इस गणित शिक्षण को सीखना है तो आप चाहते गणित शिक्षण से कभी भी आपके सामने प्रश्न आए, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, KVS हो, TSSB हो, टेट, सुपर टेट, कहीं भी अगर आपके आए, माने शिक्षक संबंधित कहीं भी अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं गलत ना हो। माने सक्रिय भागीदारी का मतलब होता है बच्चे घटनाओं का अवलोकन करें, बच्चे घटनाओं की तुलना करें, सवाल पूछे, बच्चे आपसे खुलकर सवाल पूछे, पैटर्न खोजें, वर्गीकरण करें, सामान्यीकरण करें, सवाल बनाएं, उन्हें हल करने की कोशिश करें। इन सभी के बारे में ऊपर की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं उनकी समझ बनाने में सक्रिय भागीदारी से उन्हें बढ़ावा मिलता है। माने बच्चे जो कुछ भी बना रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, उन्हें सक्रिय भागीदारी से उन्हें बढ़ावा मिलता है। जब उनकी सक्रिय भागीदारिता होती है तब उनको क्या होता है, और मोटिवेट होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, तो खुद को मोटिवेशन मिलता है, हाँ यार इतने लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाखों लोग तक ये वीडियो पहुँच रहा है, हमें और मेहनत से पढ़ाना चाहिए। तो इसमें एक शिक्षक होने के नाते आपका भी ये दायित्व, आपका धर्म होता है, आप इसे अपने हर एक ग्रुप में डालें। अगर आप इस बात से संतुष्ट हो रहे हैं तब इस तरह वे गणित की बेहतर समझ विकसित कर पाते हैं। इस प्रकार वे क्या होते हैं, गणित जो है उसकी बेहतर समझ अपने आप में विकसित कर पाते हैं। अब हम और आगे देखेंगे, कक्षा शिक्षण की यह चुनौती है कि बच्चों को अलग तरह के अनुभव कैसे दिए जाए। अब कक्षा शिक्षण की यह चुनौती है कि बच्चों को अलग तरह से के अनुभव कैसे दिए जाए जो उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दे। अब हमें यह भी जानना है कि कक्षा शिक्षण की यह चुनौती है कि बच्चों को अलग तरह के अनुभव कैसे दिए जाएँ जो उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दे। अब बताइए ये आपका दायित्व है, ये बच्चों को पढ़ाना है कि अलग तरह से कैसे अनुभव दिए जाएं वे उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिले। सीखना सार्थक तब होता है जब बच्चों को अपनी समझ बनाने का मौका मिले। सीखना जो होता है तब सार्थक होता है जब उन्हें कुछ अपनी समझ बनाने का मौका मिले, जो कुछ भी सीखें उसे अपने रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ सके। बच्चे जो भी सीखें उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन, अपने दैनिक जीवन से जोड़ सके, अपने कक्षा के बाहर के जीवन से जोड़ सके। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी नियम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। बच्चों को यह पता होना चाहिए किसी भी नियम का उपयोग क्यों हो रहा है, क्या बिना नियम के भी लग सकता है, यह नियम क्यों लगाया जा रहा है, यह बच्चा देखे, समझे और आपसे सवाल पूछे, और अपने इस ज्ञान का, अपने इस जानकारी का, इस
जो समझ का ये अपने बाहर की जिंदगी से, अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ सके। इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं जीवन के लिए गणित। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन के लिए गणित क्या है। आप कहेंगे सर ये जीवन के लिए गणित क्या होता है? जी ऑफकोर्स होता है। क्या गणित शिक्षण का एक बड़ा उद्देश्य है कि गणितीय सोच का विकास, क्या करना है? गणितीय सोच का विकास करना है। यह गणितीय सोच हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में बेहद मददगार होती है। अपने घर में चीज़ों के रखरखाव, प्लानिंग, प्रबंधन जैसे गुण हम गणित विषय के साथ सीखते हैं। मैंने गणित शिक्षण एक बड़ा उद्देश्य है अभी हम, क्योंकि हम लोग पढ़ तो रहे हैं गणित शिक्षण ही पढ़ रहे हैं ना। गणितीय सोच का विकास, यह गणितीय सोच हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद करता है। अपने घर में चीज़ों के रखरखाव, प्लानिंग, प्रबंधन जैसे गुण हम गणित विषय के साथ साथ सीखते रहते हैं। बच्चे जिन गणितीय बातों को सीख रहे हैं उनसे जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करना गणितीय सोच विकसित करने के लिए अत्यंत जरूरी है। मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप गणित शिक्षण को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं और बच्चों को अच्छी तरह सिखाना चाहते हैं तो यह लाइन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा इस लाइन के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और समझें। देखिए बच्चे जिन गणितीय बातों को सीख रहे हैं उनसे जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करना गणितीय सोच विकसित करने के लिए अत्यंत जरूरी है। माने बच्चे जिन गणितीय बातों को सीख रहे हैं उनसे जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करना गणितीय सोच विकसित करने के लिए अत्यंत जरूरी है। इन्हें हर स्तर पर गणितीय विचारों के बारे में बोलने के भरपूर अवसर देने होंगे। अब क्या होगा, इन्हें हर स्तर पर गणितीय विचारों के बारे में बोलने को उन्हें भरपूर अवसर देना चाहिए, प्रत्येक बच्चा यहाँ पर बोल सके। बच्चों को सीखने में मदद करने की ज़रूरत है कि मौखिक रूप से गणितीय शब्दों मुहावरों का इस्तेमाल किया जाए। मैंने हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए ज़रूरत है कि मौखिक रूप से गणितीय शब्द मुहावरा का इस्तेमाल किया जाए। जैसे 9, 2, 11 होना, इसके बारे में आगे हम लोग बताएंगे। इस देखा ना हम लोगों ने क्या किया, एक मुहावरे का प्रयोग किया और गणितीय शब्द इसमें आ गए। ठीक है, इसके बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि वे गणित के प्रतीक के रूप में दर्शा पाएंगे। फिर जब बच्चा धीरे धीरे सीखने लगता है उस गणित को प्रतीक चिन्हों के रूप में दर्शा पाता है। जिस तरह से पढ़ने व लिखने से पहले बोलना आता है ठीक उसी तरह से गणित की मौखिक भाषा उसे प्रतीकात्मक तरीके से दर्शाने से पहले आती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आप गणित शिक्षण को वास्तव में सीखना चाहते हैं यह पूरा पैराग्राफ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप सीटेट, यूपीटेट, केबीएस, डीएसएसबी, शिक्षक भर्ती परीक्षा, जूनियर प्रारंभ कहीं भी दे रहे हो या प्राथमिक विद्यालय का जैसे शिक्षक के तौर पर यह पढ़ रहे हो तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, ये निःशुल्क क्लास आपके राष्ट्रीय हित में, देश हित में उपलब्ध है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे कि वास्तव में गणितीय सोच का विकास तब होता है, जो गणितीय सोच है इसका विकास तब होता है जब बच्चों को चीज़ों से खेलने का मौका मिले। माने जब बच्चों क्या हो, गणितीय सोच का विकास तब होता है जब बच्चों को चीज़ों से खेलने का मौका मिले। उनके सामने गणितीय समस्या सार्थक और ठोस संदर्भ रखी जाए। माने जो बच्चे हैं खेलने का मौका मिले, माने बच्चों को खेलने का मौका मिलना चाहिए, उनके सामने गणितीय समस्या सार्थक और ठोस संदर्भ में रखी जाए। गणितीय जो अवधारणाएं हैं वो अमूर्त होती है, आपको पता है जो गणितीय अवधारणाएं होती हैं वो दिखाई नहीं देती, अमूर्त होती हैं, तो उनको उपयुक्त खेल गतिविधि शिक्षण सामग्री के कारगर इस्तेमाल से बच्चे में गणित अनुभव करने और सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। इन सभी के प्रयोग से बच्चों में गणित सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए यह लाइन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम और आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं चाहूँगा यहाँ से आप लोग काफ़ी चीज़ें सीखें। आप देखते हैं कि शिक्षण की योजना बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो शिक्षण की योजना है उसे बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह करते समय हमें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे उद्देश्यों के रूप में लिखना चाहिए तथा प्रत्येक उद्देश्य के संबंधित शिक्षण योजना बनाते समय समय का भी निर्धारण करना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना क्या है। माने शिक्षण की योजना बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह करते समय हमें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे उद्देश्यों के रूप में लिखना चाहिए, उनके प्रत्येक उद्देश्य से संबंधित शिक्षण योजना बनाते समय समय का भी निर्धारण करना चाहिए। गणित शिक्षण की योजना में विविधता का समावेशन बहुत ही आवश्यक है, यह बात आप लोग को जानना चाहिए। गणित शिक्षण की योजना में जो विविधता का समावेशन बहुत ही आवश्यक है,
एक प्रकार की गतिविधियों से बच्चे जल्दी उबने लगते हैं। जैसे एक एक गतिविधि कराई जाए तो बच्चे उबने लगते हैं, उनके सीखने की ललक कम होने लगती है। इसलिए हमें गतिविधियों को भी बदलना चाहिए। गणित शिक्षण की योजना में गणित सीखने के क्रम का खास ध्यान रखना चाहिए, यह हमने पहले पढ़ाया। जब गणित आप सिखाना चाह रहे हैं, बच्चों को गणित सीखना है, सिखाना है आपको, तो याद रखिएगा हमें जो गणितीय क्रम है उसका एकदम बारीकी से ध्यान रखना चाहिए। नीचे जो सारणी दी गई है ध्यान से देखें, सामान्यतः 40 मिनट की शिक्षण योजना का एक नमूना दिया गया है। चलिए हम देखते हैं 40 मिनट के एक शिक्षण नमूना दिया गया है, उनको ध्यान से देखते हैं और उनके बारे में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या क्या दिया है। पहले 10 मिनट क्या है, ठोस वस्तुओं के साथ कार्य करना। पहला क्या है कि शिक्षण के चरण हैं और प्रत्येक को 10-10 मिनट में चार चरण में बांटा गया है। यहाँ पे गतिविधि दी गई है, यह गतिविधि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड के आधार पर बदल सकते हैं। आप अपनी गतिविधि को भी बच्चों के सामने रख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि बच्चों द्वारा कंकड़ के ढेर इकट्ठा करना। बच्चे जो हैं, अब झाड़ू नहीं लगवाना है, वो पोछा नहीं लगवाना है, लेकिन बच्चों से कहना चाहिए कि आप कंकड़ के ढेर लाइए, कंकड़ लेकर आइए। हर बच्चा 10, 15, 20, 5, 6, 7 ऐसे कंकड़ इकट्ठा करता है। इसके बीच जो शिक्षक अध्यापक या अध्यापिका होंगे, कुछ चिट तैयार करने होंगे। हर चिट पर छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, लंबा, पतला इत्यादि में से एक शब्द लिखाओ। माने किसी चिट में छोटा लिखाओ, बड़ा लिखाओ, पतला, मोटा, भारी, हल्का लिखाओ। हर बच्चा अपने आगे अपने कंकड़ों के ढेर रख लेगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने सामने कंकड़ों को ढेर रख लेंगे। शिक्षक के कहने पर बच्चा कोई एक कंकड़ निकाले, फिर शिक्षक चिट निकाले और उस पर लिखा शब्द पड़े, जैसे भारी। अब सभी बच्चे अपने ढेरी में से जो कंकड़ निकाले हैं, जो पहले निकाले गए कंकड़ से भारी होंगे, वह प्रक्रिया 4-5 बार दोहराई जाए। माने जो कंकड़ निकालेगा, मान लीजिए कंकड़ है भारी का है, अब सबसे बच्चों से कहना इस कंकड़ से भारी कंकड़ आप निकालिए। सभी बच्चे क्या करेंगे, जितने हैं उस कंकड़ को ध्यान से देखेंगे और उससे भारी कंकड़ निकालेंगे। यह प्रक्रिया 4-5 बार दोहराया जाए, तब तक जब तक सभी बच्चे को खेल अच्छे से समझ में ना जाए। मैंने यह प्रक्रिया तब तक दोहराना है जब तक यह खेल सभी बच्चों के समझ में ना आ जाए, तब तक हमें इसे दोहराते रहना है। समझ में आप लोग को, बताइए कमेंट करके समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो हम और आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, ठोस वस्तुओं के साथ किए गए अनुभव के बारे में बातचीत। ठोस वस्तुओं के साथ किए गए अनुभव के बारे में बातचीत करना। ठीक, यहाँ पे ध्यान देते हैं। बच्चों से यह समूह में भी हो सकता है, जैसे ठोस वस्तुओं के साथ करते हुए शिक्षकों के साथ वार्तालाप। क्या हर बार निर्देश के अनुसार कंकड़ मिले, जैसे आपने कहा क्या वैसे हर बार कंकड़ मिले। क्या हर बार निकाले गए कंकड़ों की गिनती एक समान थी। कैसे जाना कि कोई कंकड़ दूसरे से बड़ा, हल्का या भारी है। हर बार कंकड़ ढूंढने में कितना समय लगा, अगर तेजी से करना हो तो क्या करोगे, कंकड़ों को कैसे जमा करोगे। अब बच्चों से क्या करना चाहिए, उनके अनुभव के बारे में बात करना चाहिए। जैसे कि जितना कहा गया, क्या हर बार कंकड़ मिले, क्या हर एक बार निकाले गए कंकड़ों की गिनती समान थी। जैसे जितना कंकड़ निकाले गए, क्या सभी बार गिनती समान थी। कैसे जाना आप लोगों ने कि कंकड़ एक दूसरे से बड़ा है, हल्का है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ये बात आप लोगों ने कैसे जाना। अच्छा, कंकड़ सबसे पहले कौन ढूंढा, किसको ज़्यादा समय लगा, अगर तेज करना हो तो क्या करेंगे, कंकड़ को कैसे जमा करेंगे। हम क्या करना चाहिए, ठोस वस्तुओं के साथ साथ किए गए अनुभव के बारे में बच्चों से बातचीत करना चाहिए। अब हम देखेंगे इसके बाद का अगला चरण होगा, अगले 10 मिनट का, चित्रों पर कार्य करना। चलिए हम लोग चित्रों पर काम करते हैं। पहले की गई गतिविधि को एक बार फिर से दोहराएं। इस बार यह कार्य कक्षा में मौजूद चित्रों या पाठ्यपुस्तक में बने किसी संदर्भ चित्र के साथ कराना चाहिए। जो वहाँ पर चित्र दिया गया हो उस चित्र के साथ कराना चाहिए। प्रक्रिया वही रहेगी, पर इस बार संदर्भ चित्र में से शब्द बोलने पर बच्चे चित्र की पहचान बताएंगे। अब यहाँ पर शब्द बोलना है, अब बच्चे उस चित्र की पहचान बताएंगे, यह चित्र कौन सा है। अगर आप होते तो कौन सा चित्र देते, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप एक शिक्षक होते तो आप कौन से चित्र की बात करते, जी हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सके तो चैनल को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। हाँ, टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो इसकी नोट्स पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। अगला देखिएगा, प्रतीक पर कार्य और समेटना। अब क्या करना है, प्रतीकों पर कार्य करना है और उन्हें समेटना है, यह भी 10 मिनट तक। क्या दूसरी बार खेल खेलने में पहले से आसानी हुई, जब दोबारा खेल खेला गया क्या पहली बार से आसानी हुई, ऑफकोर्स। ऐसा क्यों हुआ, क्या किसी समूह ने अपने ढेरी को किसी क्रम या में जमा
में जमाया है, माने किसी समूह ने अपनी ढेरी को किसी रूप में या क्रम में जमाया है। फिर कह रहा है कि यही खेल प्रतीकों के माध्यम से बनाएं। कक्षा में मौजूद चीज़ों में से पेंसिल से बड़े हर चीज़ों के लिए एक गोला और छोटों के लिए चौकोर, फिर गोले और चौकोर को गिनवाएं और उनसे संख्या के प्रतीक से जोड़ें। ठोस वस्तुओं को बार बार गिनकर जोड़ने घटाने के लिए प्रतीक चिन्हों को बताएं। अब धीरे धीरे क्या करिए कि बच्चों को प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करिए, बच्चों से प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा करिए और इससे बच्चे क्या होंगे, प्रतीक चिन्ह के बारे में सजग होंगे और बहुत सारी जानकारी उनके अंदर समावेशित होगी। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस शिक्षण योजना का उद्देश्य कि बच्चों की तुलनात्मक गणती अवधारणा को समझ सके और पहचान सके, यह इस उद्देश्य को पूर्ण करने का एक प्रस्तावित ढंग है। आप इसे अपनी कक्षा की जरूरतों के अनुसार ढाल सकते हैं, एक प्रस्तावित है लेकिन आप इसे अपनी कक्षा के जरूरत के आधार पर इसे ढाल सकते हैं। गणित शिक्षण के संबंध में कुछ सुझाव इस प्रकार है, दी गई गतिविधि को आप दो बच्चों को साथ खेल के रूप में भी करा सकते हैं, माने दी गई गतिविधि को आप दो बच्चों को साथ खेल के रूप में भी करा सकते हैं। चित्र उठाने की प्रक्रिया भी बच्चों द्वारा की जा सकती है, चित्र के बजाय सपाट पासा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यह बात भी आपको भली भांति जानना होगा। फिर कह रहा है कि कंकड़ और पत्तियों के साथ कार्य करने के बाद गतिविधि को अलग वस्तु जैसे इमली के बीज, शंख, सीप, घोंगे के साथ भी दोहराया जा सकता है। प्राय बालू कंकड़ भी मिल जाते हैं, मतलब जहाँ पे आपके विद्यालय के पास जो चीज़ें की उपलब्धता हो। उसके पश्चात वस्तुओं की जगह चित्र का भी इस्तेमाल किया जाता है, अतः में केवल शब्दों के रूप में गतिविधि की जा, मतलब शब्दों के रूप में भी गतिविधि की जा, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, एक प्रोसेस के बाद अगली प्रोसेस में जाएंगे, आप लोग क्या करेंगे, सीखना शुरू कर देंगे और जान भी जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पाठ्यपुस्तक होती है, पाठ्यपुस्तक कार्यपुस्तिका का इस्तेमाल गतिविधि को चित्र के साथ करते समय गिनतारा या गणित एनसीईआरटी की गणित का जादू, इन चित्रों का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। जब बच्चे तुलना की अवधारणाओं को समझने लगे तो कार्यपुस्तिका और गिनतारा में दिए गए अभ्यास कराए जा सकते हैं। क्लियर हुआ, ये आपके मन में कोई डाउट है? चलिए अब और आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि गणित सीखने सिखाने के क्रम का प्रयोग हो रहा होगा, बच्चे छोटे बड़े समूह में कार्य कर रहे होंगे। कैसी होगी गणित की कक्षाएं, अब ये आपको जानना है कि कैसी होंगी गणित की कक्षाएं। हाँ देखिए, टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके जोड़ सकते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश है जो उनके ऑफिस का है ये लिंक, लेकिन आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे ई लर्निंग विद दुर्गेश उनके साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि वीडियो उन्हीं के चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मेरा खुद का भी चैनल है बेसिक लर्निंग विद दुर्गेश, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। कैसी होगी गणित की कक्षाएं, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया में परिवेशी वस्तुओं का प्रयोग हो रहा होगा, माने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवेशी वस्तुओं का प्रयोग हो रहा होगा, बच्चे एक दूसरे से एवं शिक्षक के साथ संबोधों पर चर्चा कर निष्कर्ष निकाल रहे होंगे, फिर बच्चों को अभ्यास पुस्तिका पर कार्य के साथ श्यामपट पर भी सवाल हल कराने का मौका मिल रहा होगा, बच्चे एक दूसरे की अभ्यास पुस्तिकाओं में किए गए कार्यों की जांच व सुधार कर रहे होंगे। मैंने इन सभी तथ्य को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप सभी अपना अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप क्या करेंगे, कैसी होगी गणित की आपकी कक्षा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी गणित की कक्षा कैसी होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके दिमाग में सारी बातें फीड हो चुकी होंगी। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग अगला अध्याय पढ़ेंगे, संख्यापूर्ण अवधारणाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट के माध्यम से, और ये जौनपुर जनपद से है और आप जिस जनपद से भी होंगे अपने सभी ज़िले के लोगों तक पहुँचाइएगा। और मेरा व्यक्तिगत है फेसबुक पर दुर्गेश अशोक जायसवाल, तो उस पेज पर भी आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं अपने बचे हुए समय को विद्यालय के अलावा जो मेरा समय बच जाता है उस समय का उपयोग मैं आपके सार्थक पहल के लिए कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहल काफ़ी बेहतर लगा होगा। फ्री एजुकेशन के तहत मैं आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से मैं चीज़ें पहुँचा रहा हूँ।
कर भला तो हो भला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा और अपने सभी साथी मित्रों तक पहुँचाइएगा। बेहतर लगे तो लाइक करिएगा, कोई फीडबैक हो कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे भी पढ़कर पढ़ाकर, और आपको कितना अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।